अब इस स्टडी स्टेट को अप्रोच करने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। हमको ये पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन y इक्वल टू एफ के एल होता है, और इसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन k पावर हाफ और l पावर हाफ ले रहे हैं, मतलब फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट है। मैंने जैसे आपको बताया फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तो यहां फंक्शन स्क्वायर रूट है, जो कि कॉब डॉगलास ने अपने प्रोडक्शन फंक्शन में बताया है कि के पावर में अल्फा हो सकता है, उस अल्फा को हमने 1/2 लिया है। ठीक है, कॉब डॉगलास जब भी आप पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो y अपॉन l इक्वल टू के हाफ के पावर हाफ l पावर हाफ अपॉन l, मतलब ये क्या हुआ, हमने l से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब ये हुआ कैसे, k पावर l पावर हाफ हो गया, क्यों, ये जो l है इसमें दो स्क्वायर रूट्स हैं l के, स्क्वायर रूट l और स्क्वायर रूट l मल्टीप्लाई होकर l बनाता है, तो एक स्क्वायर रूट l और ये वाला भी स्क्वायर रूट कहलाता है, ये दोनों कट जाएंगे तो k स्क्वायर रूट और l का स्क्वायर रूट बचेगा, तो k अपॉन l होल स्क्वायर रूट, ये हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो ये इस तरीके से आया, क्योंकि स्मॉल y हमने y अपॉन l लिया हुआ है और स्मॉल k अपन लोगों ने कैपिटल अपॉन l लिया हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू स्मॉल k पावर हाफ, या इसको हम y इक्वल टू रूट के। तो हमारा जो फंक्शन है इस न्यूमेरिकल के लिए वो है y इक्वल टू रूट के, ये याद रखिएगा केवल इस एग्जांपल के लिए। ये जो फॉर्म है प्रोडक्शन फंक्शन का, ये हमको ये बताता है कि आउटपुट पर लेबर किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ अमाउंट द कैपिटल पर लेबर, यानी आउटपुट पर लेबर कैसे निकलेगा अगर हम स्क्वायर रूट कर दें उस कैपिटल का जो एक लेबर के ऊपर लग रहा है। ओके, ये है इसका प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको देखते हैं। हमको ये बताया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि 30% आउटपुट का सेव किया जाता है, यानी एस है हमारा 0.3, 30% का मतलब 0.3, और 10% कैपिटल स्टॉक का डेप्रिशिएट होता है हर साल, यानी हमारा डेल है 0.1। इकोनॉमी स्टार्ट होती है विथ 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल पर वर्कर, यानी के है हमारा 4 कैपिटल पर वर्कर स्मॉल के। ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, अब इसको हमें सॉल्व करना है स्टेडी स्टेट के लिए। पहले साल कैसे होगा, हमको प्रोडक्शन फंक्शन क्या दिया गया है, क्या माना है हम लोगों ने, y इक्वल टू रूट के। अब 4 यूनिट्स कैपिटल के लगते हैं हर वर्कर पर, तो वो 2 यूनिट आउटपुट देता है, ये कैसे हुआ, देखिए 4 यूनिट्स किसके हैं, कैपिटल के, यहां पर ने 4 डाल दिया, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 2 क्या हो गया आउटपुट, इससे ये पता लगता है, क्योंकि 4 हमको क्या दिया गया था, कैपिटल, क्लियर। अब चूंकि 30% आउटपुट सेव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सेविंग ही इन्वेस्ट हो रही है, तो 70% कंज्यूम हो रहा होगा। ओके, ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है हमारे इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, एस वाई, एस क्या है रेट ऑफ सेविंग, और वाई क्या है स्मॉल वाई है ये आउटपुट पर लेबर। ठीक है, तो आई निकालते हैं हम लोग, 0.3 है ये वाला, इसमें इंटू क्या करेंगे हम, 2 यूनिट्स का, क्योंकि आउटपुट पर वर्कर कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे, और कंजम्पशन निकालना हमको, तो कंजम्पशन है हमारा 70%, तो 0.7 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या हुआ, आई आ गया 0.6 और कंजम्पशन आ गया 1.4। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक अगर हमको निकालना है, कैपिटल स्टॉक में जो चेंज हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि डेल के इक्वल टू आई माइनस ये डेल्टा स्मॉल के। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की तो हमको पता लग गया कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक केवल 0.2 है, यानी कि 20%। तो बिकॉज 10% ऑफ द कैपिटल स्टॉक डेप्रिशिएट्स, तो डेल के हमारा 0.4 हो गया, क्योंकि 10% कैपिटल स्टॉक का डेप्रिशिएट होता है, तो 10% हम कैपिटल का कितना निकालेंगे, यहां कैपिटल पर वर्कर कितना है हमारे पास 4, ठीक है यहां 4 लिख देंगे, और यहां डेल कितना है हमारे पास, ये है 0.1, 0.1 का जब 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0.4, तो इस तरीके से ये 0.2 आ गया। ओके, ये हमारे पास कैपिटल बच रहा है फर्स्ट ईयर की एंडिंग में 0.2, यानी 20% कैपिटल बच रहा है हमारे पास डेप्रिसिएशन को अलग करने के बाद।
ओके, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास कैपिटल अब 4.2 हो जाएगा। अभी कितना था हमारे पास? कैपिटल 4 था। अगले साल के लिए हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास अब ज्यादा बच रहा है, दैट इज 4.2। ठीक है, अब इसको हम फिर से लगाएंगे और लगाते 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 ये देखिए 4.2 लगाया, फिर 4.3 लगाया, लगाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब आउटपुट पर वर्कर 9 हो जाएगा, और यही वो टाइम होगा जब इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे 9:9। यानी इन्वेस्टमेंट उस समय डेप्रिसिएशन के बराबर हो जाएगा। ये कब होगा? कई सालों के बाद। तो जब हम ये निकालेंगे चेंज इन कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट SF के इन्वेस्टमेंट है, और ये क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए जब चेंज इन कैपिटल जीरो होगा, इसको हम एक और तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के लिए डेल के जीरो होना चाहिए, हमने पीछे पढ़ा है। तो हमने अगर डिवाइड किया इसको के स्टार अपॉन ये आ गया नीचे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो इस तरीके की इक्वेशन आएगा। अब के स्टार आपको निकालना है, तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ के स्टार, ये असल में रूट के स्टार हो जाएगा, जैसा हमने अपने न्यूमेरिकल के फर्स्ट में लिया है शुरुआत में ही, कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैपिटल का स्क्वायर रूट है। ठीक है, और यहां पर सेविंग्स हमने रख दी, यहां हमने डेप्रिसिएशन रख दिया 0.3 0.1, तो कितना हो गया के स्टार? 9 आ गया। इस टेबल से भी देख लीजिए 9 आ गया, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से भी देख लीजिए 9 आ गया। ये स्टेडी स्टेट है कैपिटल स्टॉक की, 9 यूनिट्स पर वर्कर। तो हम 9 यूनिट्स पर वर्कर तक के अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, वहां तक जाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन कम रहेगा और 9 यूनिट्स तक हमारा डेप्रिसिएशन बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के। इसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम गए तो हमारा डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा कैपिटल बढ़ाने का। ओके, एक मिरेकल हुआ था जापानीज और जर्मन ग्रोथ में, एक केस स्टडी है, ये एक छोटी सी केस स्टडी है, मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। जापान जर्मनी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर डिस्ट्रक्शन हुआ था, कैपिटल स्टॉक पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे, और उसके बाद उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो की कि 1978 से 72 के बीच में पर पर्सन उनकी ग्रोथ हुई 8.2% जापान में, 5.7% जर्मनी में, और 2.2% केवल यूनाइटेड स्टेट्स में। सोचिए, जापान और जर्मनी में पर ईयर है ये, यानी 48 से 72 तक 24 ईयर्स होते हैं, और हर साल 8.2% से उनकी ग्रोथ हुई है। तो कितने हाईफाई ग्रोथ हुई उनकी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल स्टॉक जो था वो ड्रॉप हो गया था स्टेडी स्टेट से के वन पे आ गया था, आप फिगर में देख लीजिएगा, के स्टार से पीछे आ गया था। और यहां से जब पीछे आ जाता है कोई भी, तो उसके आगे फिर जाया जाता है, और उसके आगे जाने के लिए लेवल आउटपुट का जब गिर जाता है तब सेविंग रेट्स काम आती है। अगर जर्मन और जापान बड़े हैं तो वो उसका मेन कारण है कि वो उनकी सेविंग रेट्स नहीं घटी, यानी उनको जो सेव करना था वो उनका सेव होता रहा इस डिस्ट्रक्शन के बाद भी, इसलिए उनकी इकोनॉमी बूम हो गई, हाई ग्रोथ पीरियड दिखाया उसने, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेविंग रेट। यानी अगर आप सेविंग्स करते हो तो आप जल्दी ग्रो कर जाते हो, क्योंकि सेविंग ही इन्वेस्टमेंट बन जाती है। लेकिन ये सेविंग का इफेक्ट होता कैसे है ग्रोथ पर, देखिए एक डायग्राम से। ये उसी तरीके का डायग्राम है, ये है हमारा स्टेडी स्टेट पहले वाला, और ये है पहला वाला प्रोडक्शन फंक्शन, ये है डेप्रिसिएशन। अगर सेविंग्स बढ़ जाती हैं, ये सेविंग है S1 F के, अगर ये बढ़ जाती है तो क्या होगा? देखो, हमारा स्टेडी स्टेट बढ़ जाएगा, यानी हम इतना ज्यादा एक्स्ट्रा और कैपिटल लगाकर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी यहां तक हमारा कैपिटल बढ़ सकता है, इसके बाद घटेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सेविंग की मदद से क्या हुआ, हमारा जो स्टेडी स्टेट है K1 स्टार से K2 पे शिफ्ट हो गया, तो हम यहां तक का कैपिटल अब लगाकर फायदा ले सकते हैं, यानी यहां तक की ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए सेविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। देखिए, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी ग्रो हुई थी, 1992 का आंकड़ा है ये, इसमें हमारा इंडिया कहाँ है? ये है इंडिया इधर पे, यानी करीब करीब इन्वेस्टमेंट हमारा है 12%, 14% मान लीजिए, पाकिस्तान उससे भी कम है,
और इनका इनकम पर पर्सन ये देख लीजिए, और यहां पर जापान का देखिए, जर्मनी का देखिए, क्या हाईफाई इन्वेस्टमेंट हो रहा है इनका, क्योंकि इतनी सेविंग हो रही है। और पर पर्सन इनका इनकम देखिए, यूएस, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, फिनलैंड, सिंगापुर, यूके, इटली, इजराइल, फ्रांस, सब टॉप लेवल की अर्निंग कर रहे हैं। ये होता सेविंग से। तो सेविंग का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये पूरे वर्ल्ड का है। अब एक और है, गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल, इसको पढ़ते हैं।